हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल कर्मा डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज थोड़ा बारिश का मौसम है और दोपहर में काफ़ी बारिश हुआ, जिसके कारण अभी थोड़ा बादल भी छाया हुआ है ऊपर में आसमान में और थोड़ा अंधेरा सा छाया हुआ है और काफ़ी ठंडा हो रखा है मौसम। तो एक्चुअली में जो टॉपिक को लेकर बात करना था, वो टॉपिक ये है, ये इस ब्लॉक में मैं उस टॉपिक को लेकर बात करना चाहता हूँ जो आजकल के न्यू जनरेशन को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। और उस इफ़ेक्ट में काफ़ी सारे लड़कों का लाइफ बर्बाद होने वाला है। और मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्यों, कुछ एक वीडियोस है जो कि यूट्यूब में इनका सब्सक्राइबर, इनका कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नए नए यंग जनरेशन के लड़के लोग काफ़ी सारा वीडियो निकाल रखा है जो कि मल्टी विटामिन के बारे में। मैं जो टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो मल्टी विटामिन के बारे में बात करूंगा। एक्चुअल में जो अभी लड़के लोग रनिंग करता है, प्रैक्टिस करता है, जो डिफेंस में या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में जॉब के लिए वो जाना चाहता है और वो प्रैक्टिस कर रहा है हमेशा और वो कमज़ोर फील कर रहा है या किसी भी कारण से उसको कमजोरी है, उसको क्यों है वो खुद उसको पता नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसको काफ़ी सारा मतलब कंफ्यूज है वो टोटली। और उसमें लड़के लोग जो वो भी यंग इन लड़के लोग हैं जो वीडियो बना रहा है यूट्यूब में और बना के इस वीडियो को वहाँ पर अपलोड कर रहा है कि मल्टी विटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो सजेस्ट कर रहा है कि लेना चाहिए मल्टी विटामिन, क्यों लेना चाहिए। और मल्टी विटामिन में मैं जो दवाई का नाम मेंशन कर रहा हूँ वो दवाई का नाम है, एक है ए टू जेड मल्टी विटामिन, एक लाल पत्ती वाला। मैं इस ब्लॉग में उसका फ़ोटो भी अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा इसको। ये है वो दवाई ए टू जेड फोटो, और प्लस एक लिमसी बोलने वाला एक टैबलेट है जो कि विटामिन सी के लिए बताया जाता है। यह है वो लिमसी टैबलेट जो कि एक बंदा और फोटो में पकड़ रखा है, लिमसी और ए टू जेड दोनों टैबलेट पकड़ के रखा है और विटामिन सी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे को हंसी आ रहा है बोलने के लिए यार, एलोपैथी मेडिसिन या कोई मेडिसिन खा के, कोई दवाई खा के आदमी का स्टेमिना बढ़ाना, विटामिन मल्टी विटामिन शरीर के अंदर मल्टी विटामिन पैदा करना, उसके एनर्जी लेवल को बढ़ाना, वो सही बात है क्या? अगर आपके पास नेचुरली आपके पास कोई एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, आपके पास कोई नेचुरली आप कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं खा रहा है पी रहा है, तो आप दवाई खा के दौड़ेगा? यार, घोड़ा का भी दवाई खा के दौड़ते हुए देखा मैं तो नहीं देखा जानवर को। ये जो जानवर घोड़ा इतना दौड़ता है, जो भी दौड़ने वाला है, गाय भैंस जो भी जंगल में दौड़ते हैं, जो भी जंगली जानवर है वो लोग, क्या ऊँट हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे वो शेर हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या टैबलेट खा के या दवाई खा के दौड़ते हैं क्या? मैं तो कभी नहीं देखा। यार, हमारा बॉडी क्या दवाई के लिए बनाया गया है? दवाई खा के, मल्टी विटामिन खा के तब हम इसको एनर्जी लेवल को बूस्ट करें, तब हम रनिंग करें। ऐसे बहकावे में आके यंग जनरेशन के नए लड़के लोग आजकल कन्फ्यूज है और उसको सही रास्ता वो दिख नहीं पा रहा है, उसके सामने वाला जो रास्ता है ना उसको टोटली बंद हो गया, वो क्या करे। ऐसे ऐसे ब्लॉग आ रखा है, मैं उस ब्लॉग वाले का फ़ोटो भी डाल दूंगा इसमें मेरे इस ब्लॉग में। मैं यहाँ पर दोनों किस्म के टैबलेट का फ़ोटो तो डाल दिया, साथ में उनके फ़ोटो भी डाला हूँ, लेकिन उनका पूरा फेस नहीं डाला, भाई लोगों को देख के खराब लगेगा, इसीलिए बुरा ना माने मेरे दोस्तों। यार, जो चीज़ नेचुरली है वो नेचुरली है। आपका बॉडी में अगर नेचुरली ताकत लाना है तो आपको कुछ खाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं मेरा ब्लॉग में डाइट चार्ट, डाइट प्लान बताया था, आपको अभी बता दे रहा हूँ, मैं इसी ब्लॉग में आपको डाइट प्लान में क्या बता रहा, क्या खाना है। सुबह मॉर्निंग में उठ के आपने जो मैं एक पाउडर बताया था, पाउडर कैसे बनेगा, उसमें हर चीज़ का बराबर मात्रा में लेना है आपने। मैं सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इस डाइट को दोबारा मैं बता दूंगा, एक डाइट प्लान चार्ट और बता दूंगा, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ सिर्फ जो पाउडर मैं आपको नेचुरली बनाने के लिए बोला था। मेरा डाइट चार्ट में कर्मा ब्लॉग में है, कर्मा डाइट प्लान में है। अगर उस डाइट प्लान में मैं आप बताया था कि आपको
चने, भुना हुआ चना जो भी लेगा आप, 100 ग्राम लेना तो 100 ग्राम पूरा इक्वल बराबर 100 ग्राम का हर एक जो चार क्वांटिटी का मात्रा आप उसमें शामिल करेंगे, चार क्वांटिटी चार आइटम, वो चार आइटम क्या होगा, भुना हुआ चना, मिश्री, काजू, किशमिश, बादाम, काजू बादाम, काठ बादाम जो बोलता है एक जो ब्राउन कलर का बादाम, और मूंगफली, इस तरह के, और ये चार पांच आइटम। इसमें कद्दू का बीज डाल सकता आप, इसमें तिल डाल सकता आप, इसमें लौंग डाल सकता आप, इसमें इलायची डाल सकता आप, जो कि इसको भून के, इसको गरम करके आप इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाओ, इसको एक पाउडर बनाओ, पाउडर बना के इसको डेली सुबह शाम दो चम्मच इसको आप ले। चीनी नहीं डालना है, मिश्री डालना है चीनी का जाएगा में, जो कि आपको थोड़ा सा मीठा महसूस हो। और इस तरह आप इसको हर दिन सुबह शाम, इसको आप दूध के साथ भी ले सकता है, इसको आप गर्म पानी के साथ भी ले सकता है, और आप इसको हर दिन सुबह शाम उसको आप यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको खाएंगे, और ऊपर से आपको जो आप सवेरे चना खाते हैं ऑलरेडी, भिगो के चना खाते हैं, मूंग का दाल आप खा सकते हैं भिगो के, गुड़ खा सकते हैं आप, केला खा सकते हैं आप, ये काफ़ी सारा डाइट है जो इसको आप सवेरे का आपका डाइट प्लान चार्ट में आप उसको शामिल करें। मैं डाइट प्लान चार्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ आपने खाना क्या है। नींबू आप खा रहे हैं डेली, नींबू का शरबत आप ले रहा है, आपको लीमसी टेबलेट का क्या ज़रूरत पड़ गया यार, विटामिन सी का क्या कमी पड़ गया आपका, जो लीमसी टेबलेट खा के आपको एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, आपका थकावट को दूर करना है, आप ऑलरेडी नींबू खा रहा है। टैबलेट किसी भी चीज़ का हो, एलोपैथी टैबलेट में कोई भी दवाई आप खा रहा है ना, वो आपका शरीर के लिए नुकसानदायक है दोस्तों। मैं नए लड़के लोगों को फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं उनको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग कभी भी ये जो एलोपैथी दवाई का ये जो ए टू जेड जो मल्टी विटामिन्स जो दवाई के लिए ये सजेस्ट कर रहा है, ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, आप लोग ना खाएं। आपका शरीर का जो आप सोचो, एक बार ये टेबलेट खाने के बाद आपका शरीर में एनर्जी बूस्ट होता है, थोड़ा टाइम के लिए आपको काफ़ी एनर्जी मिलता है जब आप रन करते हैं, आधा घंटा पहले खाते होंगे या तो रात को खाते होंगे या सुबह रनिंग करने से पहले खाते होंगे, इसके बाद आपका शरीर में काफ़ी एनर्जी फील होता है, सुबह आप बहुत दौड़ता है, इसके बाद आपको कितना वीक फील होगा आप ये सोच भी नहीं सकता, और कंटिन्यू आप ये टेबलेट लेते जाएंगे आपका शरीर में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा, और आपका शरीर ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो इतना नुकसान नहीं होना चाहिए था इससे ज़्यादा नुकसान होना हो जाएगा, और आप पछताएंगे यार, किसी काम के नहीं रहेंगे आप यार। हम भी जब भर्ती हुआ, हम भी जब इसमें जॉब में आए, इस डिफेंस में जब आए हम, तब हम भी रात दिन एक कर दिया, हम भी बहुत दौड़े, हमको किसी ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि मल्टी विटामिन्स खाओ, कुछ भी खाओ, हमने भी ऐसे चने, गुड़, ऐसे कच्चा हर चीज़ कच्चा खाया, और केला खाया, ठीक, बहुत सारी चीज़ ऐसे फल फ्रूट खा के, ये फ्रूट वगैरह खा के हमने ऐसे रनिंग किया, और हमारा रनिंग सबसे अच्छा रहा, तीसरे नंबर पर मैं रनिंग में घुसा, मैं जब रनिंग किया, जब रैली में 500 आदमी दौड़ाया था तो तीन नंबर में घुसा, कोई खास बात नहीं है आप, ये कोई वो नहीं है जो दूसरे के बहका में नहीं आना है आपको, गलत गाइडेंस आप अवॉइड रहे, आप अवॉइड करें हमेशा, ऐसे जो गाइडेंस मिलता है ना इसको अवॉइड करें, यूट्यूब देखें, हर चीज़ देखें, लेकिन अच्छा और बुरे का पहचान करें, किसी भी ब्लॉग को देख के आप गलत डायरेक्शन में मत चले जाएं। अच्छा जो एकेडमी चला रहा होगा ना बंदा, उसका भी बदनाम हो जाएगा वो, किसी भी बंदा कोई अच्छा एकेडमी चला रहा है ना, वो कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करेगा, आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। दोस्तों ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसी टैबलेट को लेके, जो इसी मल्टी विटामिन्स को लेके मैं दोबारा एक दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों को और भी चीज़ में, आप मेरा डाइट प्लान चार्ट में और भी कुछ बताऊँगा। दोस्तों आज के लिए जय हिंद जय भारत, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद।